फाइनली गाइस जितने भी स्टूडेंट बी टी यू पी के लिए इवेंट सेम का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फाइनली आज की वीडियो इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई आज की वीडियो में हम सब बी टी यू पी इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 गाइडलाइंस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप भी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और गाइस अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ गाइस कि आपको बैक लग जाएगा और आपको बी टी यू पी की तरफ से फेल भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में गाइस आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपको अच्छे नंबर मिले और गाइस आप पास भी हो सके, और ऐसे कौन से स्टूडेंट गाइस जो 100% फेल होने वाले हैं इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया बट मेरे को समझ में ही नहीं आया, तो गाइस आप हम पे गलती फेंकने लग जाते हो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो वीडियो होने वाली है बी टी यू पी इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम गाइडलाइंस पे होने वाली है। लेकिन गाइस आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रीवियस ईयर में आपका गाइडलाइंस का नोटिस जारी किया गया था, इस ईयर में आपके गाइडलाइंस की नोटिस नहीं जारी की गई है। शायद गाइस कुछ दिन बाद आए, लेकिन आज फार्मेसी का एग्ज़ाम है लेकिन अभी तक गाइडलाइंस की नोटिस नहीं आई है। लेकिन गाइस मैं आपको प्रीवियस ईयर के बेस पे बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा नियम है जिसे गाइस आपको उल्लंघन नहीं करना है। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो डेफिनेटली आपको फेल वाले कैटेगरी में डाला जाएगा। अब सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देख पाएंगे ना, एक लेटेस्ट यहाँ पे जो आपका मतलब कि एग्ज़ाम जो होने वाला है, आप जब भी अपने एग्ज़ाम पर जाए तो गाइस आपको अपना सेंटर, जो भी आपका जहाँ पे आपका सेंटर है, सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाए। एडमिट कार्ड गाइस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, विदाउट एडमिट कार्ड आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ गाइस आपको अपना आधार कार्ड भी अपने पास में लेकर रखना है, विदाउट आधार कार्ड भी आपको एग्ज़ाम में परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आप इन गलती को मत करना, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइमली पहुंचना है। इसके बाद गाइस आपको आधार कार्ड और अपना जो भी एडमिट कार्ड है लेकर जाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब गाइस ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था, अब हम सेकंड इंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं कि गाइस अगर आप बी टी यू पी सेम सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो गाइस आपका जो ये एग्ज़ाम हो रहा है सी सी टी वी कैमरा के निगरानी में हो रहा है और इसका लाइव प्रसारण आपके कुलपति के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि आप जो एग्ज़ाम देंगे ना इसका लाइव प्रसारण होगा। तो ऐसे में गाइस ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में मस्तियाँ करते हैं, पीछे लगते हैं, साइड में लगते हैं। तो गाइस आपको इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आप यहाँ इधर उधर लख रहे होंगे, आप चीटिंग कर रहे होंगे ना, तो सीधा गाइस आपको यू एफ एम वाले कैटेगरी में डाला जाएगा, सीधा आपको बैक लगा दिया जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए गाइस आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप अपना एग्ज़ाम दें और सारे क्वेश्चन सही से करें। गाइस जो आपका क्वेश्चन आते हैं ना गाइस, आपको ए टू जेड सारे क्वेश्चन करते जाने हैं और गाइस आप डेफिनेटली अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। अगर आप यहाँ वहाँ मस्ती करोगे, बातें करोगे, तो डेफिनेटली गाइस आपको बैक वाले कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब गाइस देखिए क्या होता है ना कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स देते हैं ना, लेकिन अपना नाम सही से नहीं डाल पाते, अपना रोल नंबर सही से फिल नहीं कर पाते। जो आपका एग्ज़ाम पेपर्स होता है गाइस, जो आपका एग्ज़ाम बुक होता है, आप उसमें सही से डिटेल फिल नहीं कर पाते। तो इस कैटेगरी में गाइस क्या होगा कि आपको बैक वाले कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइस आपको अपना नेम, पिता का नेम, जो भी डिटेल्स वहाँ पे रहती हैं, सब कुछ सही सही डाल दी है ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर पाए। तो गाइस अब हमारे पास 3-4 इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, अब जो मैं गाइस आपको फोर्थ वाला बताने वाला हूँ ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले गाइस क्या होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे ना, तो एग्ज़ाम को सही तरीके से सभी क्वेश्चन पहले रीड करें। सभी क्वेश्चन रीड करने के बाद गाइस आपको रेड पेन ग्रीन पेन गाइस इन सभी पेन का यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम पेपर्स में, आपको ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करना है, अदरवाइज गाइस आपको सीधा बैक वाले कैटेगरी में डाला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करना है, आपको ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना है, अदरवाइज़ कोई भी आपको पेन यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम पेपर्स में। और गाइस आपको जो अगर मान लीजिए आपका कोई मतलब कि
कोई अगर ऐसा पेपर हो, चित्र बनाने वाला पेपर हो या फिर आपका न्यूमेरिकल हो, तो इसका इस केस में आपको गाइस क्या करना होगा, आपके जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे आपके पेंसिल हो या फिर आपके रबड़ हो, अदरवाइज जो भी चीज़ें होती हैं आपको पता ही होगा, आप उन सभी चीज़ों को लेकर जाएं। और गाइस बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड से हेल्प मांगने लगते हैं, सर मुझे दो, भैया मुझे दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पर्सनली लेके जाना है। अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पर्सनली लेके जाना है, अदरवाइज़ आप इधर उधर ताकेंगे ही मांगने में, तो आपको बैक वाले कैटेगरी में डाला जाएगा, तो आप ऐसी गलती मत करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना, कोई और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली गाइस आपको तो फेल तो नहीं होने वाले हैं, 100% पास होंगे। अगर गाइस आप अच्छे से एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना गाइस। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।